नमस्कार, आप सभी का योगी मैथ्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमने कुछ डिस्कस किया था, नंबर सिस्टम के बारे में बताया था क्या क्या पढ़ेंगे। अब उसी का पहला टॉपिक लेके चल रहे हैं। पहला टॉपिक था इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर, मतलब संख्याओं के बारे में बताना है अपन को आज। मतलब वो इंट्रोडक्शन देना है संख्याओं के बारे में। तो संख्याओं के बारे में क्या कहें, पहले लिखते हैं नेचुरल नंबर। सबने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या होती है आप सभी ने पढ़ा होगा। जो संख्या एक से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इन्फिनिटी, मतलब इसका स्टार्टिंग बिंदु है एक। जो संख्या एक से शुरू हो रही है तो वो क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसी को बोलते हैं प्राकृत संख्या। क्योंकि कोई भी चीज़ देख लो, यदि नेचुरल में यदि आपको पेड़ गिनने के लिए बोलेंगे तो आप एक से शुरू करोगे, ये तो नहीं बोलोगे 0 पेड़ है। क्योंकि प्राकृत संख्या वही होती है जो एक से शुरू हो, मतलब किसी का अंश हो। अब दूसरी एक संख्या दे रखी है होल नंबर। होल नंबर जिसको हम पढ़ते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जो 0 से स्टार्ट होती है और आगे तक जाती है इन्फिनिटी तक। मतलब पूर्ण संख्या वो संख्या होगी जो 0 से स्टार्ट हो, मतलब जो सारी प्राकृतिक संख्या होल नंबर भी है, मतलब पूर्ण संख्या भी है। बट पूर्ण संख्या होल नंबर नहीं, क्योंकि इसमें 0 ऐड है। नंबर थर्ड एक आता है अपने पास इंटीजर। इंटीजर जिसको अपन बोलते हैं पूर्णांक संख्या। ये वर्ड याद कर लो, क्योंकि क्वेश्चन में आएंगे थ्योरेटिकल, उसमें पूर्णांक संख्या लिखा जाएगा। इसको याद करो, पूर्णांक संख्या में वो आते हैं, मतलब 0 काउंट होगा प्लस 1, 2, 3 ये इन्फिनिटी तक जाएगा, और ये -1, -2, -3 ये इन्फिनिटी तक जाएगा। पता आ गया? क्योंकि इंटीजर वो संख्या होती है, मतलब 0 को भी जोड़कर प्लस के और माइनस के सभी संख्याएं, मतलब प्लस और माइनस की सभी संख्याएं प्लस 0, 0 भी उसमें ऐड होगा। अब 0 न तो पॉजिटिव है न नेगेटिव है। 0 0 है ये, ना तो पॉजिटिव है ये ना नेगेटिव है। अब आगे बढ़ते हैं। तीन संख्याएं अपन ने पढ़ी हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। नेचुरल नंबर जो संख्या एक से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाए, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाए, इंटीजर दोनों प्लस और माइनस की दोनों संख्या प्लस 0। अब एक अगली वो आती है इवन नंबर। इवन नंबर होती है सम संख्या। सम संख्या क्या होगी, जिस संख्या के ऊपर 2 का भाग जाए, वो भी पूरा पूरा, जिसके ऊपर 2 का पूरा पूरा भाग जाए वो क्या होगी, इवन नंबर। मतलब 2 के मल्टीपल में जो भी संख्या होगी वो 2 के मल्टीपल में होगी, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसके मतलब ये होगी 2 के मल्टीपल में वो होगी इवन नंबर। अगला आता है ओड नंबर। ओड नंबर को अपन बोलते हैं विषम संख्या। ये वो संख्या है जिस पर 2 का पूरा पूरा भाग ना जाए, पूरा पूरा भाग ना जाए, ये मतलब ओड नंबर वो संख्या होती है जिन पर 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। जैसे 3 हो गए, 5 हो गए, 7 हो गया, 9 हो गए, 11 हो गया, 13 हो गया, ऐसे आगे तक।
आ गया सभी को। एक बात मतलब ध्यान देना बहुत इम्पोर्टेंट है तो बात छोटी सी लेकिन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात है। वो क्या है, अगर हम सम संख्या प्लस सम संख्या इसको जोड़ेंगे ना, मतलब दो सम संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या सम संख्या ही बनेगी, और एक सम संख्या प्लस विषम संख्या इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगी, विषम संख्या। एक विषम संख्या और दूसरी भी विषम संख्या इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगी, सम संख्या। ये तीन बातें हैं, इनको याद करने योग्य हैं ये तीनों बातें। बात बड़ी सिंपल है कि दो सम संख्याओं को जोड़ेंगे तो सम संख्या आएगी, एक सम संख्या और विषम संख्या को जोड़ेंगे तो विषम संख्या आएगी, और दो विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो सम संख्या आएगी। बात बड़ी आसान है लेकिन इससे क्वेश्चन बनेगा बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। देखोगे आप आगे एक क्वेश्चन आएगा उसको देखना। अब अगली संख्या के ऊपर चलते हैं। अगली संख्या है प्राइम नंबर, बहुत ज़्यादा यूज होता है इसका इस चैप्टर में, प्राइम नंबर जिसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है मतलब जिसके ऊपर या तो एक का भाग जाए, क्योंकि एक का तो सब किसी के ऊपर जाता है, और एक अपना खुद का भाग जाए वो ही होती है अभाज्य संख्या। जैसे एक को तो छोड़ दे क्योंकि वो तो सब किसी में आता है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, क्योंकि 9 नहीं है क्योंकि 9 3 से विभाजित होता है, 13, 17, 19, 23 ऐसे करके आगे तक। एक चीज मतलब याद करने योग्य है वो क्या है कि जो 2 है ना, ये क्या है, सम भी है और अभाज्य भी है। मतलब जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ऐसी कौन सी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, और एक क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है जो सम है, उसका आंसर हो जाएगा 2। आ गया होगा अगर किसी को समझ में। अब अगले नंबर की तरफ बढ़ते हुए हो तो कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर होते हैं भाज्य संख्या। ये सिंपल सी है कि जो मतलब जो भी संख्या जो किसी भी दूसरी संख्या से भी भाग चला जाए तो कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या होगी। इसको बताने को खास जरूरत तो नहीं है क्योंकि भाग जैसे 4 पे भी जा रहा है, 6 पे भी जा रहा है, 9 पे भी जा रहा है, सभी कंपोजिट नंबर हैं। इसके बाद एक नंबर आता है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर जिसको बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो संख्या जिसको अपन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सके, और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, जो मतलब क्यू के बराबर 0 नहीं हो। जैसे पी अपॉन क्यू, जैसे यहाँ पे 5 रहेगा ना, 5/1 जिसको अपन पढ़ते हैं, तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। ऐसे इसमें लगभग सभी संख्या ये इसी में आ जाते हैं। ये मतलब ये होता है जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाए, जैसे ये होता है 2.7 जो परफेक्ट डेसिमल में, या अपन डेसिमल की क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि ये भी रैशनलाइजेशन नंबर है। और नंबर 2 पे आता है इरेशनल, इरेशनल नंबर में वो संख्याएं आ जाती हैं जो मतलब रैशनल नहीं है, मतलब रैशनल नहीं है मतलब जो पी अपन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखी जाती है, जो मतलब रूट वाली जो संख्या आती है जो इसी के अंदर आ जाती है। एक क्वेश्चन है कि 120 से छोटी किन्हीं तीन विषम संख्या का योग करके, मतलब तीन विषम संख्याओं को जोड़ना है उनका योग करके मतलब कितने तरीके से, मतलब कितने तरीके से बताना है कि 200 बना सकते, मतलब किन तीन तीन विषम संख्याओं को जोड़ के हम
200 बनाए जा सकते हैं, मतलब कितने तरीके हैं वो बताना है। वो आप सभी ध्यान से देखिएगा कि आप मतलब क्या है, जैसे तीन संख्या ले रखी है, वो भी कौन सी, विषम ले रखी है, प्लस विषम ले रखी है, प्लस विषम। देखो दो विषम संख्याओं को जोड़ने पर क्या होता है, सम, और एक सम और विषम को जोड़ने पर क्या आएगा, विषम। और जो ये 200 है, मतलब 200 अपन को बनाना है, तो 200 क्या है, एक सम संख्या, तो मतलब 200 बन ही नहीं सकते। ऐसे तीन कोई भी मतलब 120 से छोटी तीन, मतलब ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिसका सम 200 हो, क्योंकि तीन विषम संख्या होंगे तो उनका सम क्या आएगा, विषम में आएगा, और 200 क्या है, सम संख्या, आ ही नहीं सकता। मतलब जीरो जीरो भी है, मतलब जीरो तरीके हैं जिसको मतलब 200 बना सकते हैं, मतलब बन ही नहीं सकते। एक क्वेश्चन है, आप देखिएगा सभी ध्यान से, कि दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना दे रखा है, 47, और इन संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, मतलब अपने अंतर दे रखा है, योग निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। दे रखा है अपन को एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 47, मतलब एक मतलब संख्या अपन एक्स मानिए, एक वाई मानिए, इन दोनों के वर्गों का योग का अंतर मतलब माइनस करके क्या आएगा, 47। तो अपन इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, और इसको मैं लिख देता हूँ 47 × 1। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स माइनस वाई बराबर 47, और एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, नहीं एक्स माइनस वाई, क्योंकि माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और एक्स प्लस वाई ये आ जाएगा 47। इसको जैसे ये कट जाएगा, ये 2x, ये कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 48। एक्स बराबर कितना आएगा, 24, और एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 23। ठीक है, क्योंकि वाई इस साइड चला जाएगा, जैसे जैसे 24 रखा माइनस वाई 1, ये 1 इस साइड आएगा, वाई उस साइड जाएगा, कितना आएगा, 23। और अपन को क्या करना है, इसका योग निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब 24 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, 1105, ये इसका आंसर आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि अपन इनका अंतर दे रखा है, योग निकालना ये सबसे आसान तरीका है, जस्ट वन स्टेप में है, क्योंकि इसको आप देखोगे ना तो आंखों आंखों में सोल हो जाएगा, आगे प्रैक्टिस हो गई तो, नहीं तो इसमें क्या क्या कैलकुलेशन है। एक अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक बार इसी टाइप एक क्वेश्चन और देख लो आप, यदि ये किसी को समझ में आए तो इससे क्लियर हो जाएगा कि अंतर दे रखा है अपन को 67, और उसका क्या करना है, योग निकालना है। तो सेम करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू दे रखी है 67, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, इसको अपन 67 × 1 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं ये लिखने में। और यदि यदि ये दो कोई संख्या है, प्लस करने पर 67 आएगा, माइनस करने पर 1, ये माइनस प्लस मतलब एक्सचेंज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि छोटी संख्या है, तो 1 और ये 2, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, क्योंकि इसको ये भी लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, तो 67 × 1 ये हो जाएगा, एक्स प्लस वाई ये आ जाएगा 67, और एक्स माइनस वाई ये आ गया 1, ये कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर 68, एक्स बराबर 34, और वाई बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 34 इसकी वैल्यू रखेंगे, इस साइड जाएगी माइनस, तो ये आ जाएगा 33। अब इसका निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या आएगा, 34
का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 22 45, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। सबने देखा होगा, ध्यान से देखा होगा, हर किसी को समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, बड़े आसान से क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, देख लो आप। एक क्या है कि एक मतलब टर्म आती है, एक संख्या बार बार यूज होगी आप पढ़ोगे तो, को प्राइम नंबर यूज होगी एक टर्म, जिसको अपन बोलते हैं सहभाज्य, असहभाज्य। मतलब ये वो संख्या है जिसका HCF 1 है। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जिस संख्या का मतलब जिस संख्या में कुछ भी कॉमन ना आए, या फिर ओनली मतलब 1 आए, जिसका HCF बनाने का मतलब ये हो कुछ भी चीज़ कॉमन ना आई, तो मतलब को प्राइम वह संख्या होती है जिसमें कुछ भी कॉमन ना आए, कुछ भी कॉमन ना आए, कॉमन ना आए, या HCF 1 हो। जैसे अपन लिख देते हैं 13 25, ये को प्राइम संख्या है। तो ग्रुप में तो लिखना पड़ेगा दो संख्याओं के बीच में होता है जिसके अंदर या तो कुछ भी कॉमन ना आए या फिर सिर्फ HCF, उन दोनों को 1 हो। HCF निकालने के लिए कम से कम दो संख्याओं की जरूरत होती है, जैसे कि ये लिख देंगे 4 6 9, इसमें सिर्फ कॉमन निकालो, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ 1 कॉमन आएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लो कि एक संख्या और ले लो 18 17, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ऐसे बहुत ज़्यादा मतलब संख्याओं के जोड़े मिलेंगे आपको। और एक और टर्म आती है, उसको बोलते हैं नो नॉन कोपरा, ये होती है सहभाज्य संख्या। इसका मतलब वही है कि मतलब कॉमन आ जाए एक को छोड़कर, मतलब कुछ भी कॉमन है, मतलब एक तो सभी में कॉमन है, तो एक को छोड़ कुछ भी कॉमन आई, सेम इसका अपोजिट हो गया, एक को छोड़कर कुछ भी कॉमन आए, जैसे 2 4, तो इसमें 2 कॉमन आ गया, 9 27, इसमें 9 कॉमन आ गया। मतलब ऐसी संख्या जिसमें कुछ भी कॉमन आए, तो नॉन को सहभाज्य संख्या, नॉन को प्राइम, और को प्राइम वो है जिसमें कुछ भी कॉमन ना आए। ये हमारी पहली क्लास थी, इसमें हमने संख्याओं का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स के बारे में, फैक्टर्स कैसे होते हैं, फैक्टर्स का योग है भाज्य संख्याओं का फैक्टर। आप ध्यान से पढ़े, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के अंदर, और फिर आगे अगली क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।